Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study muscles of the back of the shoulder, and at the muscles of the back of the shoulder we have around 5 muscles. And let me make it full screen. It's unwilling to be at the full screen. Let me try it again. So we have muscles of the back of the shoulders. The muscles behind the shoulder joint are known as the muscles of the back. These are 5 muscles in which we are just going to study the origin and insertion and action of those muscles. In the next video, I am going to tell you the nerve supply as well. In this video, I am going to give a quick review on the nerve supply. For nerve supply, actually, I will make only one video in which we will discuss all the muscles of the all muscles of the upper limb. So because it's better to learn, I always think and make everything regarding how to learn. ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि अब हमारे पास नर्व सप्लाई अगर मैं आपको अलग अलग बता दूँ, बताने को तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन उससे आपको याद कुछ भी नहीं होगा. इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे अपर लिम के मसल्स होंगे और सबका एक पूरा चार्ट होगा, जिसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा. अगर निमोनिक्स बनते हैं, निमोनिक्स बनाऊंगा कुछ ना कुछ करके, इस तरह से हलवा बना के दूंगा कि आप इजीली नर्व सप्लाई याद कर सकें हर मसल की. ठीक है, आगे चलते हैं. तो हमारे पास सबसे पहला जो मसल आ रहा है, ये बड़ा सा ट्राइंगुलर मसल जो कि शोल्डर के पीछे भी लग रहा है हमारे पास, और सर पे भी जाके लग रहा है हमारे पास, नीचे आके वर्टिब्रा को भी काफ़ी कवर कर रहा है, रिब तक. ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये हमारे पास कौन सा मसल है? ट्रेपीजियस इसको कहते हैं, इसका नाम ट्रेपीजियस है. इसके बाद हमारे पास जो क्या है, इस ट्रेपीजियस के ओरिजिन इंसर्शंस काफ़ी सारी जगहों से है, आप देख सकते हैं. ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है? ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ से मसल निकला है, इंसर्शन वो जगह होती है जहाँ पे जाके मसल लगता है. आसान अल्फाजों में ये आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा. और दूसरे जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, इंसर्शन मूव करता है, ओरिजिन अपनी जगह पर रहता है. अब आपको पता है ये जो वर्टिब्रा पर लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है वर्टिब्रा पर, ये क्या होगा? मूव नहीं होगा. और ये जो हमारे पास, ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कहाँ जा रहे, पागल हो गया. अच्छा, तो हमारे पास ये जो लगा हुआ है, ये वर्टिब्रा पे लगा हुआ, वर्टिब्रा तो मूव नहीं होगी, जाहिर सी बात है. शोल्डर जॉइंट यहाँ से यू करके ऊपर आएगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन्स की. ओरिजिन है बेस ऑफ ऑसिपिटल स्पाइनस प्रोसेस. ऑसिपिटल स्पाइनस प्रोसेस पे लगता है, उसके बेस पे लगता है. और आपको पता है ऑसिपिटल जॉइंट होता है जो कि आपको आपकी नेक को राइट लेफ़्ट रोटेट करने में हेल्प करता है, अप डाउन की मूवमेंट देता है. अप डाउन की मेरे ख्याल से नहीं देता, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, खाली राइट लेफ़्ट की मूवमेंट देता है, जो जिस पे मैं श्योर हूँ. हो सकता है अप डाउन की भी देता है, उसका मुझे फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रेपीजियस के सेक्शन बने हुए. ये वाली साइड जो कहे ना, यहाँ से यहाँ तक ये अपर है, ये वाली साइड मिडिल है, और ये बिल्कुल नीचे है, और यूँ जो साइड आ रही है ना, ये कौन सी है? लोअर है. कि इनको हमने 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड किए क्योंकि इसके कुछ फाइबर्स आप देख सकते हैं यूँ जा रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ ऊपर से नीचे यूँ आ रहे हैं. तो ये तीनों फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो अलग अलग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. इस वजह से इनको हमें 3 में डिवाइड करके स्टडी करना ज़रूरी है. और ये एक बड़ा मसल है, इसको हम ट्राइंगुलर मसल भी कहते हैं. और जब ये दोनों मसल एक साथ हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डायमंड मसल है. आप देख सकते हैं इसकी 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं, तो ये एक डायमंड की शेप दे रहा है. डायमंड मसल एक और भी हमारे पास है मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या, नहीं मसल नहीं है हमारे पास, फोसा है, उसको छोड़ दें, वो आगे लोअर लिम के अंदर. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इंसर्शन है. इंसर्शन इसी कहाँ होती है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल. कहा जाए तो हमारे पास पूरा जो ये पीछे का हिस्सा है ना स्कैपुला का, उस पूरे को ये अच्छे से पकड़ लेता है. ये देखें यहाँ पे ये उभरी हुई चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इसकी अटैचमेंट हो रही है. यहाँ आपको पता है इंफ्रा स्पाइनेटस होगा, लाजमी सी बात है. इंफ्रा स्पाइनेटस से थोड़ा सा ऊपर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्लेविकल की अटैचमेंट जो कि एक्रोमियम पे होती है,
वो वाली साइड क्लेविकल की ट्रेपीजियस अटैच करके बैठा हुआ होता है. अटैच मतलब ट्रेपीजियस उससे अटैच होके बैठा हुआ होता है, उस जॉइंट को अटैच नहीं करता. ठीक है, फिर नीचे हम लोग आके देखते हैं तो ये हमारे पास जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा पे भी अटैच होता है. वर्टिब्रा के मैंने नंबर्स नहीं लिखे हुए होने चाहिए थे, मैंने क्या बंद मार दिया है, लेकिन चले अब वीडियो स्टार्ट कर दिए तो वीडियो इसी तरह समझा देता हूँ. ये जो कि हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो कह सकते हैं C1 से लेके ये होगा T6 T7 कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, तो ये आप कंफर्म बुक से देख लीजिएगा. लाजमी सी बात है, बुक तो आपके पास होगी, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा. ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्शंस की. एक्शन अपर फाइबर यहाँ से क्या कहे, पावरफुल एलिवेटर है, लाजमी सी बात है. उसके फाइबर्स यूँ हैं, अगर यहाँ से खींचेगा तो हमारे पास जो ट्रेपीजियस है यूँ करके स्कैपुला जो कहें यूँ करके एलिवेट हो जाएगा. यूँ अगर आप यूँ करके फील करें तो आपको बाकायदा फील होगा ट्रेपीजियस. आप अपना जैसे शोल्डर पे यूँ हाथ रखेंगे ना, थोड़ा नेक की साइड पे यूँ करके हाथ रखें, ये पूरा मसल हमारे पास ट्रेपीजियस है. ट्रेपीजियस के अपर फाइबर की आप पैल्पेशन कर रहे हैं इन शॉर्ट. ठीक है, और अगर आपको मिडिल फाइबर की पैल्पेशन करनी है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर जो मसल है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला को पैल्पेट करें, और उसके ऊपर वाला मसल क्या है, ट्रेपीजियस है. मिडिल फाइबर क्या करता है, रिट्रैक्ट्स द स्कैपुला. रिट्रैक्शन होती है हमारे पास, प्रोट्रैक्शन होती है. रिट्रैक्शन इज द बैक मूवमेंट ऑफ स्कैपुला. यूँ करके जब आप यूँ करते हो ना, जैसे एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो उसके अंदर पीछे यूँ आपको पता है विंग निकल रहा होता है, विंग की तरह हमारा स्कैपुला बाहर आ रहा होता है. पुशअप्स करते हुए आपको फील होता होगा, तो ये जो बाहर आने को हम कहते हैं रिट्रैक्शन. और बाहर आने से पहले क्या पोजीशन होती है, उसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन. आपको पता है हमेशा से ये जो टर्म्स हैं प्रो और री, प्रो जैसी टर्म्स पहले यूज़ होती हैं, जैसे पहले को बोलते हैं प्रो प्रो स्कैपुलर या प्रो कुछ इस तरह से. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि प्रो किसी भी चीज़ के होने से पहले, इनिशियल स्टेज ऑफ समथिंग. तो प्रो स्कैपुला कैसा होता है, नॉर्मल होता है. रिट्रैक्शन ट्रैक्टेड फॉर मतलब मैं याद रखूँगी, मैं इसी तरह याद करता हूँ कि भाई प्रो कौन सा है, जो हम नॉर्मल चल रहे होते हैं उस टाइम जो हमारे पास स्कैपुला की पोजीशन होती है वो प्रोट्रैक्शन है, और जो रिट्रैक्शन होती है वो डिफरेंट है. डिफरेंट का क्या मतलब, जो बाहर निकला हुआ होगा स्कैपुला. और एलिवेशन डिप्रेशन इस पिक्चर में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, एलिवेशन और डिप्रेशन हो रहा है. आप अपने इसको श्रगिंग भी बोलते हैं, श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स. मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं मुझे नहीं आता पढ़ाना इस तरह से. ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं अक्सर. फिर बात करते हैं हम लोग डेल्टॉइड की. डेल्टॉइड बड़ा टाइट मसल है, ये आपको आगे भी मिलेगा, पीछे भी मिलेगा, लिटरली भी मिलेगा. ये एक पूरा यू टर्न लेता है, ये इस तरह का मसल है. आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा अभी मेरी वीडियो पे. हमारा ये क्लेविकल है, यहाँ से यू निकलता है, यू टर्न मोड़ के यू स्कैपुला पे जाके लगता है, तो ये पूरा यू बनाता है, एक यू. इसको इसकी पैल्पेशन आप एंटीरियर साइड पे भी कर सकते हैं, क्लेविकल के थोड़ा सा नीचे ये पड़ा है. आप लेटरल साइड पे यूँ करके एबडक्शन करें तो आपको पैल्पेशन मिलेगी. आप थोड़ा सा पीछे आए और यूँ करके एक्सटेंशन में लेके जाएँ तो भी आपको डेल्टॉइड की पैल्पेशन मिल सकती है. डेल्टॉइड पूरा यू टर्न मोड़ता है. इस पिक्चर में काफ़ी अच्छे से दिख रहा है कि भाई सारे एंगल से दिख रहा था डेल्टॉइड, तो मैंने ये वाला एंगल ज़्यादा अच्छा प्रेफर किया कि इसको चूज़ किया जाए. आप इस पे देख सकते हैं ये जो यहाँ से है ना, ये इसका ओरिजिन है, जो कि है लेटरल क्लेविकल. क्लेविकल एंटीरियर फाइबर्स जो कि हैं उसके एंटीरियर फाइबर्स को फ़िलहाल अभी इसको छोड़ दें, वो मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की. क्लेविकल से भी इंसर्ट निकल रहा है हमारा ये डेल्टॉइड, और हमारे पास जो कि एक्रोमियन प्रोसेस से भी निकल रहा है, और हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला से भी निकल रहा है, और सब जाके सारे फाइबर्स मिल के एक यूँ करके यूँ आते हैं और आके कहाँ लग जाते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे, जो कि हमारे ह्यूमरस पे पाया जाता है. अभी जो डेल्टॉइड मसल है इसके भी तीन फाइबर्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल फाइबर. अभी जो एंटीरियर फाइबर है ये कहाँ से निकल रहा है, लेटरल क्लेविकल वाला. लाजमी सी बात है क्लेविकल वाली साइड वाले फाइबर्स जो कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे लग रहे होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे एंटीरियर फाइबर. और ये क्या करवाते होंगे एंटीरियर साइड पे, आप लाजमी सी बात है देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टॉइड है, आप देखें ये वाला क्लेविकल से जो निकल के यहाँ लग रहा है, अगर ये
कॉन्ट्रैक्ट होगा, अज्यूम करें, इमेजिन करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होके ये कौन सी मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, फ्लैक्स करवाएगा, किसको, ह्यूमरस को फ्लैक्स कराएगा एट द शोल्डर जॉइंट। अब अगर बात करते हैं मिडिल फाइबर्स की, मिडिल फाइबर्स सामने से आ रहे हैं एक्रोमियम से और सीधे आके डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे लग रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। तो ये अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, इमेजिन करें, लाजमी सी बात है एबडक्शन होगी, हाथ बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ खींचने को हम क्या कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ये वाले फाइबर्स जो कहें पोस्टीरियर फाइबर्स, कहाँ से आ रहे हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से आ रहे हैं, आके लग रहे हैं ह्यूमरस पे, ह्यूमरस सपोज करें ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, पीछे की साइड पे मूवमेंट होगी जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। अभी जो एबडक्शन है, एबडक्शन ऑफ द एबडक्शन बाय द डेल्टॉइड किस तरह से होती है, डेल्टॉइड एबडक्शन इस तरह से करता है कि भाई वो 15 डिग्री तक डेल्टॉइड लेके जाता है, उससे आगे दूसरे मसल्स लेके जाते हैं, कौन से दूसरे मसल्स लेके जाते हैं वो जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन वाइज चलते जाएंगे। फिलहाल हमारी ये मसल की पहली वीडियो है और थोड़ी बेसिक वीडियो है तो उसी हिसाब से फिलहाल चलते हैं। तो अगर पूछा जाए एबडक्शन का प्राइम मूवर कौन है, एबडक्शन का प्राइम मूवर कौन है, तो हम बोलेंगे डेल्टॉइड है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे हम आपको एबडक्शन दिखा रहे हैं क्या होता है, और क्या कहते हैं एक्सटेंशन दिखा रहे हैं क्या होता है, शोल्डर एक्सटेंशन ये इसलिए दिखा रहा हूँ, क्या पता किसी को पता ना हो कि शोल्डर जॉइंट पे एक्सटेंशन किस तरह होती है, एबडक्शन किस तरह होती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनको, जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन। खैर आगे चलते हैं, फिर आता है लिवेटर स्कैपुलर। अब क्या किया हमने, जो ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस हमारे पास बड़ा मसल था जो कि आपको पता है यहाँ पे लगा हुआ था, इस जगह पे यूँ आ रहा था और यूँ आके यूँ आ रहा था, उसको हमने उठा दिया, काट दिया। जब वो कट गया तो हमारे पास क्या निकला, यहाँ पे एक मसल निकला जो कि ऑसिपिटल जॉइंट से ही आ रहा था, ऑसिपिटल से नहीं आ रहा, सॉरी, C1 और C4 के प्रोसेस से आ रहा है, ये दोनों C1 C4 के प्रोसेस हैं, यहाँ से यूँ करके निकल रहा है और आके लग रहा है एट द ये हमारे पास एंगल्स थे ना, हमारे पास 1 2 3 एंगल्स थे, तो जो एंटीरियर और मीडियल एंगल जो है उसका, स्कैपुला का, उस पे आके ये लग गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया सुपीरियर एंगल, तो सुपीरियर एंगल पे आके लगा है और जिसका नाम है लिवेटर स्कैपुला। नाम खुद बता रहा है मैं लिवेट करता हूँ किसको, स्कैपुला को। लाजमी सी बात है जहाँ इंसर्शन होगा, इंसर्शन वाली साइड हर मसल खींचता है, ये इंसर्शन वाली साइड है इसकी और ये इसको खींचेगा। हाँ, यहाँ पे जितना फ्लेक्सिबल ऐसे लचका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा सही से होगा ताकि जो क्या है वो ठीक से एलिवेट कर पाए। तो एलिवेटर, अगर आपसे पूछा जाए एलिवेटर का प्राइम मूवर कौन है, तो हम कह सकते हैं लिवेटर स्कैपुला। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली उसी काम के लिए। अब ट्रेपीजियस को देखा जाए तो उसके भी तीन चार काम है, और बाकी भी ट्रिक मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है, लेकिन तीन काम मेन है। तो लिवेटर स्कैपुला का खाली एक ही काम है, एलिवेट्स द स्कैपुला। सही, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो और मसल आते हैं, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर। रोम्बॉइड मेजर जो कि हमारे पास है नीचे पाया माइनर ऊपर पाया जाता है, आई एम सॉरी। अब शुरू करते हैं, जो हमारे पास माइनर है जो कि वो ऊपर पाया जा रहा है, जो मेजर है वो नीचे पाया जा रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि भाई बड़े को हमने नीचे रख दिया, छोटे को हमने ऊपर रख दिया। वैसे हमेशा छोटा नीचे होता है, छोटी क्लासेस में होता है, और बड़ा बड़ी क्लासेस में होता है। सही है। अब रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर की ओरिजिन इंसर्शन बता रही है, ये लोग क्या करते होंगे, ये हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला को इस साइड खींचते होंगे, यूं खींचते होंगे, और इसको हम दो चीज़ों में लेके जाते हैं, एलिवेट्स द स्कैपुला एंड रिट्रैक्ट्स द स्कैपुला। रिट्रैक्शन कौन सी मूवमेंट थी, वही पीछे वाली। जब भी पीछे होता है स्कैपुला तो हमें पता है हमारी जो के ये नीचे वाली स्कैपुला का नीचे वाला एंगल जो कि होता है इन्फीरियर एंगल काफ़ी हद तक बाहर आता है। जब इन्फीरियर एंगल के बाहर आने का रीज़न क्या है, ये दोनों मसल जो के इसको यूं करके खींचते हैं,
जब यूं करके खींचते हैं लाजमी सी बात है वहाँ से वो निकला हुआ तो नहीं है ना, वहाँ से भी ज्वाइन हुआ हुआ है। जब वहाँ से ज्वाइन हुआ हुआ होगा और यहाँ से कोई चीज़ खींचेगी किसी चीज़ को, तो वो थोड़ा सा इस टाइप की टिल्टिंग मूवमेंट देगा। कहाँ पे शोल्डर जॉइंट पे टिल्टिंग मूवमेंट दे के क्या करता है, अपने आप को रिट्रैक्ट करता है। हालांकि बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है क्या करेगा हमारे पास स्कैपुला को यूँ अंदर की तरफ लेके जाता है, जब एबडक्शन में होती है, जब हम एबडक्शन यूँ हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल हाँ एबडक्शन ठीक बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं ही कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन जब आप करोगे तो हमारे पास ये जो रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर है हेल्प करते हैं स्कैपुला को इनवर्ट डालने के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें रिट्रैक्शन की, रिट्रैक्शन में क्या होगा, अब मैं अभी जैसे ऐसे बैठा हुआ हूँ ना, अब मैं अगर इसको यूँ पीछे लेके जाता हूँ तो रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर उसको खींचते हैं। अब स्कैपुला पूरी तरह बाहर तो नहीं आ सकता है, स्कैपुला थोड़ा सा यूँ खींचेगा और रिट्रैक्ट कर जाता है वो, क्योंकि वो वहाँ से इस तरफ पूरा इस तरफ तब तक नहीं आएगा जब तक इसके साथ ह्यूमरस पीछे नहीं आएगी। अगर ह्यूमरस पीछे नहीं आ रही, वो खाली आगे ही खड़ी हुई है और यूँ कर रहे हैं, तो कौन पीछे रिट्रैक्ट कराएगा, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, हमने बहुत लंबा खींच लिया, इसको इतना लंबा नहीं खींचना। बाकी स्कैपुला जो कि है, स्कैपुला पे लगते हैं ये लोग, आप इनकी पिक्चर याद रखें, एनेटमी इज़ ऑल अबाउट पिक्चर्स। जितनी अच्छी आपको पिक्चर आती है उतना अच्छा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा मसल आता है जिसका नाम है लैटिसमस डॉर्साई। ये एक ऐसा मसल है जो कि सीधा जाता है, सीधा जाके एक ट्विस्ट देता है और फिर जाके यूँ लग जाता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा मसल है, अच्छा खासा T7 to L5 पे जो कि है इसकी ओरिजिन है। इसकी ओरिजिन बहुत सारी हैं, ओरिजिन इलियक क्रेस्ट पे भी है। इलियक क्रेस्ट क्या है ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्यूबिक बोन पढ़ेंगे। फिलहाल बस ये देख लें, प्यूबिक बोन का ऊपर वाला सरफेस है जिसको हम इलियक क्रेस्ट कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ओरिजिन थोरेको लम्बर एपोन्यूरोसिस। अब ये जो हमारे पास एपोन्यूरोसिस क्या होते हैं, एपोन्यूरोसिस होते हैं एक शीट शीट हो लिगेमेंट की। लिगेमेंट आपको पता है वैसे तो पतले पतले होते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा लिगेमेंट जो कि थोड़ा शीट नुमा हो, पूरी शीट बनी हुई हो, जैसे हमारे पास ये मोबाइल की ये शीट है, इस तरह से शीट हो, उसको हम एपोन्यूरोसिस में कन्वर्ट मतलब एपोन्यूरोसिस की नेम देते हैं। इसी तरह हमारे पास अभी हम आगे पाम पढ़ेंगे तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस भी हम पढ़ेंगे जो कि फ्लेक्जन में हेल्प करता है। तो ये कौन सा एपोन्यूरोसिस है, थोरेको लम्बर लंबर स्पाइन और थोरेको स्पाइन को जो है ज्वाइन कर रहा है, इसलिए थोरेको लंबर एपोन्यूरोसिस है। फिर इसके बाद हमारे पास है इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के ऊपर से क्रॉस करता है तो उसको भी थोड़ा सा उसकी भी पकड़ ले लेता है, उससे भी थोड़ा सा ज्वाइन हो जाता है, और फिर एंड में जाके बाइसेपेटल ग्रूव पे जाके इंसर्ट होता है। एंड में जाने से पहले यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि ये पूरा टर्न हो जाता है और टर्न होके नीचे से जाके लग जाता है। लाजमी सी बात है अगर यहाँ से बोन को खींचा जाएगा तो ये क्या करेगा, एडक्शन कराएगा। ठीक है, ऐड करेगा एंगल्स को। ठीक है, फिर इसके बाद इट एडक्स द आर्म एट शोल्डर जॉइंट, मैंने भी यही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन आपको समझ आ गया। अब देखें ये जो हमारे पास है ना, ओरिजिन इलियक क्रेस्ट थ्रोम्बोसैक्रल एपोन्यूरोसिस पे लग रहा है, इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे लग रहा है, याद है, वेरी गुड। नहीं याद हो रहे अभी आपके पास इतना अगर टाइम नहीं है तो आप खाली ये याद रखें T7 to L5। अगर आपको पढ़ने का मूड नहीं होता या पढ़ने का मूड मूड को छोड़ देते हैं, अभी मूड की बात नहीं है, अभी ये बात है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप क्या याद रखेंगे, T7 to L5 टू पैसिपिटल क्रू। याद रखना ये इतना ज़रूरी नहीं है, पर इसकी पिक्चर आपके जहन में आना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर्स आपको याद होंगी, आपको ओरिजिन इंसर्शन याद होंगी, आपको ओरिजिन इंसर्शन याद होंगी तो आपको पेल्पेशन में आसानी होगी, और अगर आपको पेल्पेशन में आसानी होगी तो आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट कहलाएंगे, एक अच्छे एनाटमिस्ट कहलाएंगे, और आपको जो कहे इससे एक और हेल्प मिलती है। आपको इससे क्या पता चलता है कि भाई कौन सा मसल क्या मूवमेंट कराएगा, अगर आपको ओरिजिन इंसर्शन पता है, क्योंकि आपको ये लॉ पता है ओरिजिन जहाँ से हो रहा होता है इंसर्शन उसी तरफ आता मूव करता है। अगर इंसर्शन से उसी तरफ मूव करेगा तो आप गेस कर सकते हैं कि भाई मूवमेंट कौन सी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास मसल आता है, सारे मसल हो गए,
बहुत छोटे से मसल्स हैं, पांच मसल्स थे। हमने सारे मसल्स डिस्कस कर लिए, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, लिबिटर स्कैपुलर, ट्रेपीजियस, लैटिसमस डॉर्सा। सुपरफिशियल मसल पूछा जाए तो कौन से हैं, ट्रेपीजियस है, लैटिसमस डॉर्सा है, डेल्टॉइड है, ये तीन मसल्स हैं सुपरफिशियल। फिर इसके बाद हमारे पास हैं रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, लिबिटर स्कैपुलर। हमने यहाँ पर एक ज़्यादा मसल पढ़ लिया, कौन सा, डेल्टॉइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफी मामला है कि भाई कुछ लोग लैटिसमस डॉर्साई को भी बैक में डाल रहे हैं, कुछ लोग डेल्टॉइड को बैक में डाल रहे हैं, लैटिसमस डॉर्साई को नहीं डाल रहे। तो अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आपके प्रोफेसर जो बुक फॉलो करते हैं आप उस बुक के हिसाब से बताओ, या फिर आप बुक का नाम याद कर लो। जैसे मैंने ग्रेस से किया था, ग्रेस के अंदर मेरे पास क्या था, लैटिसमस डॉर्साई नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने लैटिसमस डॉर्साई डाल दिया। मैंने कहा फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने लैटिसमस डॉर्साई नहीं डाला, बाकी सब ने बैक में लैटिसमस डॉर्साई डाला हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन जो भी थे उन्होंने लैटिसमस डॉर्साई डाला हुआ था। तो मैंने छः के छः मसल्स एट द बैक बता दिए, ठीक है, कौन से मसल्स हैं, लैटिसमस डॉर्साई, ट्रेपीजियस सुपरफिशियल हैं, ट्रेपीजियस को हटाया जाए तो लिबिटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर दोनों दिखते हैं, जो कि कहाँ पे हैं, स्कैपुलर। आपको इंसर्शन ओरिजिन में खाली इतना पता होना चाहिए कि भाई जब मैं बोलूँ रोम्बॉइड मेजर तो आपको याद आना चाहिए हाँ स्कैपुलर के बराबर में जो मसल है वो है रोम्बॉइड मेजर, और अगर बोलूँ लिबिटर स्कैपुलर जो स्कैपुलर के सुपीरियर एंगल से निकलते हुए ऊपर नेक पे लग रहा होता है वो कौन सा है, लिबिटर स्कैपुलर। इस तरह से अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर होगी और आपके लिए एनाटॉमी बहुत हलवा होगी। फिर मैंने ये एक चार्ट ढूंढा, काफ़ी बेहतरीन चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, इनर्वेशन, आर्टरी एंड नोड्स लिखे हुए हैं। देखें आर्टरी जो के है, आर्टरी आप जब हम लोग अभी पढ़ेंगे मसल्स अभी ख़त्म करने के बाद, मसल्स अभी, मेरा लैपटॉप नीचे गिर गया, मसल्स अभी ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज पढ़ेंगे हम लोग। आर्टीरियल सप्लाई ऊपर से लेके नीचे तक किसके लिए, अपर लिम के लिए पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई भी हम लोग इसी तरह ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ेंगे अपर लिम के लिए, अपर लिम के हवाले से खाली अपर लिम तक पढ़ेंगे। हार्ट से जैसे अपर लिम, इसी तरह नर्व सप्लाई ब्रेकियल प्लेक्सस से अपर लिम, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, ट्रेपीजियस है, ऑक्सीपिटल बोन पे लग रहा है, ऑक्सीपिटल बोन और न्यूट्रल लिगामेंट एस, हाँ ये चीज़ मैंने ठीक से नहीं बताई, सर्वाइकल स्पाइन C7 से T12 जो के है हमारे पास ट्रेपीजियस लग रहा है, ठीक है। C7 से लेके T12 तक ट्रेपीजियस का ओरिजिन है। ये नंबर मुझे नहीं याद था, अभी याद आ यहाँ लिखा हुआ आ गया है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, एक्रोमियन, इन सब को छोड़ देते हैं, खाली एक्शन पढ़ते हैं। एलिवेट्स एंड डिप्रेसेस द स्कैपुला, रोटेट्स स्कैपुला सुपीरियरली, रिट्रैक्ट स्कैपुला, स्कैपुला को रोटेट करता है सुपीरियरली ऊपर की साइड पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इनर्वेशन है, एसेसरी नर्व ऑफ C3 एंड C4। C3 एंड C4 याद करना इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है रिगार्डिंग द पेपर, बट रिगार्डिंग क्लिनिकल सर्विसेज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी डिपेंडिंग ऑन वॉट डॉक्टर आर यू गोइंग टू बी, अगर आप ऑर्थोपेडिक बनना चाह रहे हैं, ऑर्थोपेडिक ही होता है ना हड्डियों का डॉक्टर जो भी होता है, अगर आप बनना चाह रहे हैं तो C3 C4 कौन सी नर्व कौन से सेक्शन से निकल रही है ये आपको याद होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास बहुत ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे वर्टेब्रल फ्रैक्चर हुआ हुआ होगा, वर्टेब्रा टूट जाएगी, और जब वर्टेब्रा टूट जाती है तब आपको पता है मामला बड़े ख़राब चल रहे होते हैं। अगर C3 C4 टूट गया, कहाँ से कनेक्शन टूट रहा है, तो कौन सी चीज़ें उसके पास, कौन सी नर्व है, कौन सी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। तो उस हिसाब से आपको C3 C4 याद करना ज़रूरी है। और अगर पेपर के हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी कम ज़रूरी है, हो सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में दिया जा रहा हो तो आप याद कर लें, मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता। एसेसरी नर्व खाली ये पूछते हैं कौन सी नर्व है, एसेसरी नर्व खत्म बात, C3 C4 कोई फोकस ही नहीं है हमारे यहाँ। वैसे बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजियोथेरेपिस्ट के बाद भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी वर्टेब्रा डैमेज हुई भी होती है और फिर हमें उनको क्योर करना पड़ता है, ठीक है। फिर आर्टरी कौन सी है, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, ट्रेपीजियस को, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। बाकी ये छोटे से नोट्स हैं इनको छोड़ दें, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ अभी एक्सप्लेन नहीं करा, आपको अगर पढ़ने का दिल करे पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, अच्छी बातें लिखी हुई हैं। लैटिसमस डॉर्सा है हमारे पास है, वो कहाँ कहाँ से निकला है उनको छोड़ दें। एक्सेंट्स एडक्स
एंड मीडियली रोटेट, ये किस तरफ रोटेट कर रहा है, मीडियली रोटेट कर रहा है, वो किस तरफ रोटेट कर रहा था, ट्रेपीजियस सुपीरियरली रोटेट कर रहा था, ह्यूमरस रिजिस नहीं मीडियली रोटेट ह्यूमरस, ह्यूमरस को रोटेट करता है, आई एम सॉरी, मीडियली ह्यूमरस को रोटेट करता है, मीडियल रोटेशन क्या है, यूँ करके जो कि हमारे पास ह्यूमरस की रोटेशन है इसको हम मीडियल रोटेशन करते हैं, कहते हैं कौन कर रहा है, दैट इज रॉड फ्लाई कर रहा है, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं रेज इज बॉडी ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, जब क्लाइंब कर रहे होते हैं, इसको हम क्लाइंबर मसल भी बोलते हैं, लैटिस मस डॉर्साई को क्लाइंबिंग मसल, क्लाइंबिंग के अंदर हमारे पास कौन सा मसल हेल्प कर रहा होता है, लैटिस मस डॉर्साई का, लाजमी सी बात है यूँ करके एबडक्शन करो फिर यूँ एडक्शन, तो एडक्शन करने के लिए पावरफुल मसल हमारे पास कौन सा, लैटिस मस डॉर्साई है जो कि हमारा पूरा वजन बियर कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नर्व सप्लाई है थोरैको डॉर्सल नर्व, थोरैको डॉर्सल आर्टरी, इसकी आर्टरी नर्व सेम नाम की है, उसकी आर्टरी नर्व सेम नाम की नहीं है, किसकी ट्रेपीजियस की, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, और जो हमारे पास इनर्वेशन है वो कौन सी है, स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है, जो C3 C4 से निकली है। फिर है लिवेटर स्कैपुलर, लिवेटर स्कैपुलर क्या करता है, एलिवेट्स स्कैपुलर, इसकी एक ही मूवमेंट है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है इसके पास, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी है इसके पास। फिर इसके बाद नीचे हम लोग बात करते हैं रोम्बॉइड मेजर, जहाँ जहाँ से निकला है मैं बता चुका हूँ, रिट्रैक्स एलिवेट्स एंड रोटेट्स स्कैपुला विच डिप्रेसेस द ग्लेनोइड फोसा, ग्लेनोइड फोसा आपको पता है क्या है, द फोसा इन विच हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट एंड फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, उसको हम कहते हैं ग्लेनोइड फोसा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नर्व, इसकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, नीचे हमारे पास रोम्बॉइड माइनर है जो कि ऊपर होता है वो नीचे होता है, ये बात भी इन्होंने यहाँ पे अच्छे से बताई हुई है, रिट्रैक्ट्स एलिवेट्स एंड रोटेट्स द स्कैपुला विच रिप्रेसेस द व्हाट, विच रिप्रेसेस द, आगे लिखा हुआ है ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट, नहीं लिखा हुआ बाकी, विच डिप्रेसेस द स्कैपुला होगा, ग्लेनोइड कैविटी होगा, ठीक है। स्लाइड शो कहाँ गया, स्लाइड शो वापस ऑन कर देते हैं, ये तो शुरू से ही ऑन हो गया, बड़ा बदतमीज़ है, बहुत टाइम आपका कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि जल्द से जल्द सारी बातें बताऊँ। फिर उसके बाद हमारे पास है रोम्बॉइडियस माइनर, रोम्बॉइडियस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वाओ व्हाट अ नाइस नेम, रोम्बॉइडियस माइनर इज सप्लाइड बाय डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, ये भी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और आर्टरी से बिलोंग करते हैं, तो ये तीन मसल्स आपको इंशाल्लाह पक्के याद हो गए होंगे, आप ग्रुप बना सकते हो, लिवेटर स्कैपुलर रोम्बॉइड्स आर सप्लाइड बाय डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, कहीं पे भी आए आप ये बता सकते हो। नेम फॉर इट्स एक्शन हाइपोमियर, इसी तरह लैटिसमस डॉर्सा इज आल्सो नेम फॉर इट्स एक्शन हाइपोमियर और नॉट, बस हाइपोमियर वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिवेटर स्कैपुला अपने एक्शन की वजह से हाइपोमियर कहलाता है, ये बात तो मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ी, यहाँ आगे मुझे यहाँ लिखा है नोट्स के अंदर, खैर अच्छे नोट्स हैं, बाकी डेल्टॉइड रह गया, उम्मीद है डेल्टॉइड की नर्व सप्लाई और इनोवेशन ना बताने के लिए आप मुझे मारेंगे नहीं, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा, भले मुझे आता हो नहीं आता हो, कहीं से भी निकाल के आपको कुछ भी समझा दूँगा, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, बाकी लाइक करें शेयर करें, लाजमी सी बात है इसी से मैं कमाऊँगा और मेरा थोड़ा फ़ायदा होगा, जैसे आपका मैंने थोड़ा फ़ायदा करा है, थोड़ा आप मुझे फ़ायदा कराएं, और सबसे बड़ी बात जो कि मैं हर वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा वो ये है, अपनी नॉलेज को शेयर करें, क्योंकि आप जितना अपना नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, मैं क्यों आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरी नॉलेज और इंक्रीज़ हो, आपके लिए मैं अपर लिमिट से रिवाइज कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा रिविज़न हो रहा है, जिससे मेरे अपर लिम वापस से और पक्का हो रहा है, ठीक है। आगे थैंक यू सो मच, आपने 10-15 वीडियोस देखी, उन सब में से मुझे सिलेक्ट किया और मुझसे पढ़ना चाहा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ,
थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई और सजेशन हो लाइक मेकिंग द वीडियो फास्ट के अलावा, वो तो मुझे ही पता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं स्लो स्लो नहीं जाऊँ, फास्ट से फास्ट जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इतना फास्ट जाऊँ और बेसिक से बेसिक बच्चे को समझा पाऊँ, इस वजह से जो कि है मैं अपने हिसाब से कोशिश करता रहता हूँ। मेरी ये तकरीबन 3rd-4th वीडियो है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव और मेरा अभी प्रोग्रेसिव चल रहा है, प्रोग्रेशन चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी आपको वीडियो बनाते हुए दिखूँगा। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने आज हाथ इसीलिए लगाया क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बेलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू हैव एनी थिंग टू